हेलो स्टूडेंट वेलकम बैक इन दिस लेसन वी वर टॉकिंग अबाउट फिल्ट्रेशन वी वर टॉकिंग अबाउट डिसेंटेशन सेडिमेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन एक्टिविटी फाइव टूडे वील टॉक अबाउट एक्टिविटी फाइव कलेक्ट सम मड्डी वाटर फ्रॉम ए पाउंड और ए रिवर इफ़ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स समू वाटर इन ए ग्लास कि अगर हम किसी तालाब का या नदी का पानी ले अगर हमारे पास वह पानी अवेलेबल अवे नहीं है हमारे आसपास तालाब या नदी नहीं है तो हम एक गिलास के अंदर पानी लेकर उसके अंदर थोड़ा सा मिट्टी को मिक्स कर ले लेट इट स्टैंड फॉर हाफ एन आवर उसको आधे घंटे तक रखें ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली एंड नॉट यूवर ऑब्जर्वेशन आप देखें उस पानी को अच्छी तरह ध्यान से देखें और जो भी आप देख रहे हो उसको नोट करें ड सम सोयल सेटल एट द बॉटम ऑफ वे वाटर क्या उस मिट्टी के कुछ कण गिलास के नीचे पानी में नीचे बैठ गए हैं वाई क्यों वट विल यू कॉल दिस प्रोसेस आप इस प्रोसेस को क्या कहोगे नाओ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर अब उस गिलास को धीरे से थोड़ा सा टेढ़ा करके उसमें से पानी को हिलाना नहीं है बिल्कुल धीरे से उसको गिलास को थोड़ा सा मोड़ दीजिए लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्रॉम फ्लो इन टू अनदर गिलास और जो ऊपर वाला पानी है जो साफ़ पानी है जिसके जहाँ मिट्टी तो नीचे बैठ गया जो ऊपर वाला पानी है उसको दूसरे गिलास में थोड़ा सा जो ऊपर ऊपर है साफ़ उसको दूसरे गिलास में बदल रख लीजिए वट विल यू कॉल दिस प्रोसेस और इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे जो ऊपर वाला प्रोसेस है जिसमें मिट्टी पानी में नीचे बैठ जाती है वो क्या कहलाएगा वो कहलाएगा सेडिमेंटेशन और जिस जब हम उस साफ पानी को ऊपर वाले पानी को दूसरे गिलास में बदल देंगे और जो कुछ कुछ मात्रा में साफ है उस पानी को जब दूसरे गिलास में ले लेंगे और गंदे वाले पानी को उसी गिलास में रखेंगे तो उस प्रोसेस को कहेंगे हम डिसन साइड डिसेंटेशन और उसके बाद नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर आफ्टर द वाटर फ्रॉम द टॉप फ्लो इन टू अनदर ग्लास दैट विल यू कॉल दिस प्रोसेस वट वील यू कॉल दिस प्रोसेस दिस प्रोसेस इज कल्ड डिसेंटेशन इन द वाटर इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर क्या हम जो दूसरे गिलास में हमने पानी निकाला है क्या वह अभी भी गंदा और uh, ब्राउन कलर का है ना वो फ़िल्टर इट अब उस पानी को जो हमने दूसरे गिलास में रखा है उसको फिल्टर करके देखें डिड द टी स्ट्रेनर वर्क क्या उसके अंदर हम चाय की छलनी जिसके साथ चाय छानते हैं चाय की छलने के साथ उससे ये काम कर सकते हैं लेटस्ट ट्राई फिल्टर द वाटर थ्रो ए पीस ऑफ क्लॉथ या फिर हम चाय की छलनी अगर वहाँ काम नहीं कर रही उसको अच्छी तरह साफ़ नहीं कर रही तो हम किसी कपड़े को ले कर कपड़े के बीच में उस पानी को डाल दें वो कपड़े के अंदर से वह छन कर नीचे आ जाएगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा फिल्टर कहलाएगा इन ए पीस ऑफ क्लॉथ स्मॉल होल और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वोवन थ्रेड्स क्योंकि जो कपड़ा होता है उसके अंदर जो धागे होते हैं उनके अंदर छोटे छोटे से छिद्र बने होते हैं और उन छिद्रों के अंदर से पानी जो है क्रॉस होकर नीचे आ जाएगा दीज पोर इन ए क्लॉथ कैन बी यूज एज ए फिल्टर और वह कपड़े के अंदर से पानी जो है उसको वो पोर जो हैं उसके अंदर जो सुराख हैं वो उसको जो छिद्र हैं वो उसको फिल्टर करने का काम करेंगे पानी को फिल्टर कर देंगे इफ दाटर इज स्टिल मड्डी इम्प्योरिटी कैन बी सेपरेट बाय फिल्टर दैट हैज़ इन इवन स्मॉलर पोर्स अगर फिर भी उसमें गंदगी रहती है पानी के अंदर फिर हम दूसरा कपड़ा लेंगे या उस ही कपड़े की दो बार फोल्ड करके दो तहे लगा के उसके अंदर पानी डालेंगे ताकि वह और बारीकी से साफ़ हो सके ए फिल्टर पेपर इज़ वन सच फिल्टर दैट हैज़ वेरी फाइन पोर इन इट और फिल्टर पेपर के अंदर भी बिल्कुल बारीक जो हैं छेद होते हैं और जिनके अंदर से अच्छी तरह सफाई पानी को जो सो शुद्ध किया जा सकता है फिगर फाइव पॉइंट नाइन में जो है शो द स्टेप इन्वाल्व इन यूजिंग ए फिल्टर पेपर ए फिल्टर पेपर फोल्ड इन द फॉर्म ऑफ ए कोन इज़ फिक्स इन टू ए फ्यूनल और फिल्टर पेपर को इस तरह से जैसे ये फाइव पॉइंट नाइन में फोल्डिंग है पे फिल्टर पेपर टू में के कॉन उसके एक कॉन बना लीजिए और उसको ट्यूनल जो है हमारा उसका जैसे कीप होती है उस उस तरह का बना के उसको द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर वो तब उस मिक्सचर को हम फिल्टर पेपर के अंदर डालेंगे सोल्डेड पार्टिकल इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेनिंग ऑफ द फिल रिमेन ऑन द फिल्टर जो उसके अंदर सोलिड पार्टिकल है मतलब जो गंदगी है मोटी मिट्टी है मिट्टी के जो कण है पानी के अंदर वह मिट्टी के कण ऊपर रह जाएंगे फिल्टर के साथ और जो नीचे है शुद्ध साफ पानी नीचे निकल आएगा ये जो टेब फाइव फिगर फाइव पॉइंट वन जीरो दे है, इसमें फिल्ट्रेशन यूज इंग ए फिल्टर पेपर और यहाँ पर हम फिल्टर पेपर को यूज़ करके फिल्ट्रेशन कर रहे हैं फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजली फ़िल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड एंड सोलिड पार्टिकल ऑफ पल्प इसी तरह से जब हम uh, फ्रू फल और सब्जियों का जो जूस बनाते हैं तो उस जूस को पीने से पहले हम उसके सेपरेट सीड्स को बीज को अलग करते हैं और सोलिड पार्टिकल होता है जैसे पल्प होती है पल्प होती है जो ऊपर का उसमें गुद्दा होता है उसकी इम्प्योरिटी को साफ करने के लिए गंदगी को बाहर रखने के लिए हम उसको फिल्टर uh, इस तरह इन मेथड से द फिल्टर करते हैं द मेथड ऑफ़ फ़िल्ट्रेशन इज आल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज चीज़ इन आवर होम्स और हम घर पर जब चीज़ पनीर बनाते हैं तो हम उस फिल्टर पेपर के अंदर दूध को आ, उबले हुए दूध में जब उसको फट फट फाड़, फाड़ लेते हैं उसको आ, तो उसके बीच में किसी कपड़े के बीच में उसको रखो उस रखते हैं और तो उसके अंदर से जो है, हैं बाहर निकल आती हैं और पनीर जो है अंदर रह जाता है दूध को जब हम टाटरी के साथ फाड़ लेते हैं तो उसको अशुद्धियों को बाहर निकालने के लिए उसको कपड़े में डाल देते हैं उसे पनीर हमें मिल जाता है यू माइट हैव न दैट फॉर मेकिंग पनीर ए फ्यू ड्रॉप ऑफ लेमन जूस आर एडिड टू मिल्क एज इट बॉयल्स और कई बार ऐसा होता है कि अगर टाटरी हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो हम उसके गर्म दूध के अंदर आ, लेमन जूस जो होता है आ, उसको डाल सकते हैं उससे भी है दूध जो सावर हो जाएगा फट जाएगा दिस गिव ए मिक्सचर ऑफ पार्टिकल ऑफ सॉलिड पनीर एज ए लिक्विड एंड ए लिक्विड तो उससे क्या होगा जो पनीर के सॉलिड पार्टिकल हो जाएंगे और उसके साथ साथ जो है अशुद्धियाँ हैं वो भी उसके साथ जो पानी रूप में अशुद्धियाँ हैं वो भी लिक्विड में है वह भी वहीं हो जाएंगी द पनीर इन दैन सेपरेट बाई फिल्टर द मिक्सचर थ्रो ए फाइन क्लॉथ और ए स्ट्रेनर तब हम या तो छलनी के साथ या फिर किसी कपड़े के साथ उसको फिल्टर करके पनीर को दूध से अलग निकाल लेंगे और जो अशुद्ध है शुद्ध जो हमारे यूज़ का नहीं है उसको हम बाहर स्ट्रेन कर देंगे बाहर बहा देंगे नेक्स्ट स्टेप है इवेपोरेशन इवेपोरेशन होता है कोई भाप के साथ जब कोई चीज़ भाप बनकर उड़ जाती है इवेपोरेशन कहलाता है एक्टिविटी सिक्स में क्या है एड टू स्पून ऑफ ए साल्ट टू वाटर इन अनदर बिककर एंड स्टायर इट वेल और पानी के अंदर दो चम्मच जो है नमक डालिए और उसको अच्छी तरह मिला लीजिए डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर क्या पानी के कलर में कोई बदलाव आता है कैन यू सी यानी साल्ट इन द बिककर आफ्टर स्टायरिंग क्या जब हम उसको नमक पानी में डालकर अच्छी तरह हिलाते हैं घुमाते हैं तो क्या वह उसके अंदर कोई नमक क्या? दिख रहा है हमें हीट द बिककर कंटेनिंग द साल्ट वाटर तो उस बिकर को जिस बर्तन के अंदर हमने पानी के अंदर नमक को घोड़ा है तो उसको गर्म करने के लिए रख दीजिए लेट द वाटर बॉयल अवे वाट uh, इट लेफ़्ट इन द बिककर तो उस पानी को जैसे हम दूध से खोया निकालते हैं कंडेस्ड मिल्क खोया निकालते हैं तो उस तरह से अगर हम उस पानी को गर्म होने रखेंगे तो पानी गर्म धीरे धीरे इवेपोरेट होता चला जाएगा और जो बाद में हमारे पास जो नीचे नमक बच जाएगा इन दिस एक्टिविटी वीक यूज द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ द वाटर एंड साल्ट तो इस एक्टिविटी के अंदर हम पानी और नमक को अलग अलग करने के लिए इवेपोरेशन जो है वाष्पीकरण प्रक्रिया जो है उसका प्रयोग करते हैं द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इन टू इट्स वेपर इज़ कॉल्ड इवेपोरेशन कि पानी का जो भाप बन के उड़ जाना तो वह इवेपोरेशन कहलाता है द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूली वेर एवर वाटर इज प्रजेंट इवेपोरेशन की प्रक्रिया जब होती है तब होती है जब वहाँ पर उस जिस चीज़ को हम गर्म कर रहे हैं उसके अंदर पानी होता है तो पानी जो है वो बाप भाप बनकर उड़ जाता है तो वह उस प्रक्रिया को इवेपरेशन होती है वेयर डू यू थिंक साल्ट कम्स फ्रॉम तो हम देखेंगे कि नमक कैसे आया सी वाटर कंटेन की नमक कैसे बनता है सी वाटर कंटेन मैनी साल्ट मिक्स इन इट तो जो समुद्र का पानी होता है उसमें जो है साल्ट नमक नमकीन होता है नमक मिला होता है वन ऑफ दीज साल्ट इन द कॉमन साल्ट और उसको जो हमारे यूज़ का जो हम अपने किचन के लिए यूज़ करते हैं खाने में यूज़ करते हैं वह भी कॉमन साल्ट भी हम उस समुद्र के पानी से ही बनाते हैं वैन सी वाटर इज़ अलाउड टू स्टैंड इन शावल पिट्स वाटर गेट हीट बाय सनलाइट एंड स्लोली रिटर्न इन टू वाटर वेपर्स थ्रो इवेपोरेशन समुद्र के पानी को गहरा खड्डा खोदकर कर सैलोपिट होता है खड्ढा खोदकर उसके अंदर रखा जाता है और उसको धीरे धीरे वह है वहाँ पर जो पानी है वो स्लोली टर्न इनटू वाटर वेपर वो धीरे धीरे वास्पीकृत होता है, हो जाता है और थ्रो इवेपोरेशन के द्वारा उस वो है वहाँ से जो है वो भाप बनकर उड़ जाता है और जो पीछे बच जाता है इन ए फ्यू डेज़ कुछ दिनों के बाद द वाटर वेपोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सोलिड साल्ट तो जो पीछे बच जाता है वह एक Uh, so, नमक बच जाता है सोलिड uh, फॉम में कॉमन साल्ट इज देन ऑबटेन्ड फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ साल्ट बाय फर्दर प्योरीफिकेशन और जो हम नमक खाते हैं वो उस समुद्र के उस पानी से जो सोलिड पार्टिकल बचा था उसको ही आगे प्योर करके शुद्धियों उसकी अशुद्धियाँ निकाल के ट्रिपल रिफाइंड सुना होगा आपने तो ट्रिपल रिफाइंड किया जाता है उसको तीन बार रिफाइंड करके अच्छी तरह शुद्ध करके तब हमारे इंसानों के खाने योग्य बनाया जाता है तो वह हमारे खाने के लिए यूज, यूज़ किया जाता है यूज़ ऑफ मोर देन वन मैथड ऑफ सेपरेशन तो सेपरेशन का ऑबटेनिंग साल्ट फ्रॉम सी वाटर ये देखिए आप फिगर में देख सकते हैं कि किस तरह खड्डे बनाकर उसमें पानी डाल दिया जाता है और पानी जब भाप बन के उड़ जाता है तो उसमें से जो नमक निकाल लिया जाता है और नमक को शुद्ध करके फिर हमें इंसानों के खाने के लिए उसको यूज़ किया जाता भेजा जाता है तो यूज़ ऑफ सम मोर देन वन मैथड ऑफ सेपरेशन सेपरेशन का एक से और ज़्यादा कोई जो मेथड है वो क्या है वी हैव स्टडीज सम मेथड फॉर सेपरेशन सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर हम पदार्थों को उनके मिक्सचर में से अलग करने के लिए Uh, method, अलग अलग मैथड हमने बात की है ऑफन वन मैथड इज नॉट सफिशेंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्स्टांस प्रजेंट इन ए मिक्सचर कई बार ऐसा होता है कि एक मिक्सचर के अंदर कई तरह के पदार्थ इकट्ठे होते हैं हम उसको अलग करने के लिए सिर्फ एक ही मैथड से उसको अलग नहीं कर सकते उसके लिए कई मैथड यूज़ करने पड़ते हैं तब जाके वह शुद्ध होता है इन सच ए सिचुएसन वी नीड टू यूज़ मोर देन वन ऑफ दिज मैथड तो इस तरह की सिचुएसन में हमें एक से ज़्यादा मैथड का प्रयोग करना पड़ता है एक्टिविटी सेवन है टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट हाउ विल वी सेपरेट दिस तो एक अगर हम नमक का और रेत को दोनों को मिक्स कर लें तो हम उसको कैसे अलग करेंगे वी ऑलरेडी सा दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी पट प्रैक्टिकल मैथड फॉर सेपरेटिंग दिस तो हम देखते हैं कि अगर नमक और रेत को इकट्ठा किया गया है मिक्स किया गया है तो हम उसको हैंड पिकिंग मेथड से तो कभी भी उसको अलग नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के पार्टिकल बहुत बारीक हैं कीप दिस मिक्सचर इन ए बिकर एंड एड सम वाटर टू इट तो अगर हम उसको एक बिकर के अंदर बर्तन के अंदर रखेंगे उसके अंदर थोड़ा पानी डाल देंगे लीव द बीकर असाइड फॉर सम टाइम उस बिकर को थोड़ी देर के लिए आ, ऐसे रख देंगे उसी डू यू सी सेंड सेटल डाउन एट द बॉटम तो हम देखेंगे कि उस नमक उस पानी के अंदर मिल जाएगा और जो रेत है वह पानी से नीचे चला जाएगा नीचे बैठ जाएगा बॉटम में बैठ जाएगा द सेंड कैन बी सेपरेट बाय डिसेंटेशन और फिल्ट्रेशन और सेंड को हम जैसे हमने बात की थी डिसेंटेशन की जो ऊपर पानी जो है उसके अंदर नमक मिला हुआ है तो उस नमक को हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे और उस बर्तन में निकाल के उसको फिल्टर कर लेंगे कपड़े से फिल्टर करें चाहे वो शिविंग से कंसंट्रेनर से फिल्टर करें चाहे छलनी से किसी भी तरह से उसको अलग करके हम उसमें से नमक को अलग कर सकते हैं वट डिसेंटेड लिक्विड कंटेन कि जिस डिस लिक्विड को हमने अभी अलग किया है उसके अंदर क्या है डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द साल्ट विच वाज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग क्या उस मिक्सचर के अंदर नमक है जो शुरू में हम ने जिस जो दोनों को मिलाया था और उसमें बिकर में पानी डाला था तो पानी के अंदर हमारे सिर्फ रेत नहीं घुलता पानी के अंदर नमक घुल जाता है और वह उसके अंदर जो डिसेंटेशन करके हम जब उसको अलग करते हैं तो वो पानी नमक वाला पानी अलग हो जाता है नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिसेंटेड लिक्विड तो इस तरह से हम पा, पानी में उसे नमक को अलग डिसेंटेड लिक्विड को में से पानी को अलग कर देंगे और नमक को अलग कर लेंगे ट्रांसफर दिस लिक्विड टू ए कैटल एंड क्लोज इट्स लिड केतली के अंदर केतली में उस लिक्विड को डालें और उसको जो उसका लीड लिड है लिड होता है जो सिरा है उसका जहाँ से हम उसमें से चाय डालते हैं केतली के अंदर से चाय पानी जो भी डालते हैं दूध डालते हैं तो हीट केतली फॉर सम टाइम डू यू नोटिस सी कमिंग स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पॉट स्पॉट ऑफ द के जो केतली का स्पॉट है जैसे नीचे जो फिगर फाइव पॉइंट वन थ्रीपोरेशन दिखा रखा है तो केतली में से जब हम उस पानी को गर्म करते हैं जिसके अंदर नमक मिला हुआ है और उसके अंदर से पहले हमने रेत को अलग कर दिया था तो वही एक्टिविटी हम पढ़ रहे हैं आगे कर रहे हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं तो अब देखें कि उस केतली के जो मुंह के ऊपर से भाप जो है स्टीम जो भाप है वो निकल रही है टेक इन मेटल प्लेट विद सम आई सोन इट होल्ड द प्लेट जस्ट अबब अब द स्पॉट ऑफ द केटली आई सोन इन फिगर 5.13 पॉइंट वन थ्री दैट वट डू यू ऑब्जर्व लेट ऑल द वाटर इन द केतली बॉयल ऑफ तो जैसे ही उसके उस केटली के ऊपर एक प्लेट लीजिए प्लेट के अंदर मेटल धातु की प्लेट लीजिए उसके ऊपर थोड़ी सी बर्फ रख लीजिए जैसे यहाँ रखी हुई है और उसको केतली के मुंह के ऊपर रखिए वहाँ पर जब वो भाप बर्फ़ की वाली केतली के प्लेट के साथ टकराएगी तो वहाँ पर वो पानी बन जाएगी तो जैसे वो पानी बनेगी तो उस जब तक ये पानी का प्रोसेस निकलता बनता रहेगा तब तक उसको चलने दीजिए और जैसे पानी निकलना उसमें से बंद बन, हो जाएगा तो उसको ऑफ़ कर दीजिए आग को बंद कर दीजिए व द स्टीम कम इन द कंटेक्ट विद द मेटल प्लेट कूल्स इट्स विद आइस इट्स कंडेंस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर तो जैसे ही वह भाप ठंडी मेटल धातु की प्लेट के संपर्क में संपर्क में आएगी जिसके ऊपर बर्फ़ रखी हुई है क्योंकि वह ठंडी प्लेट है तो वह कंडेंस्ड हो जाएगी भाप के सभी कणों को इकट्ठा कर देगी कंडेंस्ड होना इकट्ठा करना तो कंडेंस्ड होकर वो पानी की बूंद के रूप में उसके ऊपर चिपक जाएगा और जैसे और भाप आएगी और बूंदें बनेंगी तो वह पहले वाली बूंदें नीचे गिर जाएंगी तो वह दूसरे बर्तन में इकट्ठी होती रहेगी तो इस तरह से पानी भाप से हम पानी को अलग कर सकते हैं द वाटर ड्रॉप दैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्राम द प्लेट्स वर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम तो जो पानी अभी दूसरे बर्तन में गिर रहा है जो पानी की बूंदें गिर रही हैं वो कहाँ से आई हैं वो कंडेंसेशन जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के साथ वहाँ पर जब कंडेंस हो गई है ठंडे सतह के संपर्क में आने से तो वह कंडेंसेशन की प्रक्रिया कहलाती है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इंटू इट्स लिक्विड फॉर्म इट्स कॉल्ड कंडेंसेशन तो मैंने जैसे अभी बताया कि उस प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं जब भाप से हम पानी दोबारा बना देते हैं नेक्स्ट डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप कंडेंस्ड अंडर ए प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर ए वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉयल्ड डिड यू एवर सीन वाटर ड्रॉप कंडेंस्ड अंडर ए प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर ए वैसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ बीन बॉयल्ड कि क्या आपने कभी जो जब हम दूध को गर्म करते हैं उसके ऊपर जब बर्तन के ऊपर प्लेट रखी होती है उस प्लेट के नीचे पानी की बूंदों को लगा हुआ देखा है तो वह भी इसी प्रोसेस से ही वो पानी की बूंदें जो है कंडेंस्ड हो जाती हैं और वो पानी की बूंदों में बन जाती हैं भाप जो दूध में से पानी भाप बन के उड़ता है तो वह कंडेंस्ड होकर पानी के बूंदों का रूप ले लेता है आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेट दैट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केतली तो इस अब हम जो केतली की बात करते हैं कि केतली में जब हम पानी गर्म कर रहे थे तो उस वो सारा पानी इवेपोरेट भाप बनकर उड़ जाता है वी हैव दस सेपरेट साल्ट सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ तो इस तरह से हम सम जो पानी में से नमक को अलग कर लेते हैं वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन फिल्ट्रेशन इवेपोरेसन एंड कंडेंसेशन तो इस प्रोसेस में हमने कि चार प्रोसेस को यूज़ किया है कंडेशन का प्रयोग किया था कि पानी के मिलाकर पानी जब के अंदर जब नमक मिल गया तो उसको अलग कर लिया था तो उसके बाद फिल्टर किया फ़िल्टर के बाद हमने उसको भाप गर्म किया इवैपोरेट किया भाप बना के भाप बनने के बाद उसको कंडेंस करके दोबारा पानी को प्राप्त कर लिया पहली फेज है प्रॉब्लम वाइल रिक, रिकवरिंग साल्ट मिक्स विद सेंड पहली को प्रॉब्लम हो रही है कि वह आ, नमक और रेत को अलग करने में मुश्किल होती है सी हैज मिक्स ए पैकेट ऑफ साल्ट इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड उसने थोड़े से रेत के अंदर ज़्यादा मात्रा में नमक मिला दिया है सी देन ट्राइड द मैथड सुजेस्ट इन एक्टिविटी सेवन तब उसने एक्टिविटी सेवन में जो जो मेथड बताए गए हैं उनको प्रयोग किया टू रिकवर द साल्ट और फिर इस प्रो, प्रोसेस से उसने नमक से पानी रेत को अलग कर दिया सी फाउंड हाव एवर दैट सी कुड रिकवर ओनली स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट दैट सी हैड टेकन वट कुड हैव गोन रोंग उसने जो प्रोसेस किया था जो प्राप्त किया उसने थोड़ी मात्रा में रिकवर स्मॉल पार्ट ऑफ साल्ट उसको थोड़ी मात्रा में जो नमक प्राप्त हो सका है उसने कुछ ना कुछ उसमें गलती की है क्यों क्या गलती हुई है उसने डिसेंटेशन का प्रोसेस नहीं सही किया है फिल्ट्रेशन सही नहीं किया इवेपोरेशन सही नहीं किया तो कहीं ना कहीं उसने गलती किया ताकि उसको क्योंकि उसको कम मात्रा में नमक प्राप्त हुआ है कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ डिसनास ये एक्टिविटी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे क्योंकि लेंस, लेसन लेंथ ही है तो हैव ए ग्रेड डे